था वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विषय नहीं रह गया, महिला के पारिवारिक अधिकारों को छीनने का भी कुछ लोगों ने इसको माध्यम बना दिया। मुस्लिम समाज में से अहमदिया समाज मेरे पास आया और अहमदिया समाज ने कहा कि उनके प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो हमारा संविधान नहीं करता। क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जबरन एक औरत की शादी तोड़ दे, धमकाए? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि किसी को नॉन मुसलमान जो इस्लाम में मानता है उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दे? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जो मान लीजिए इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता उसको भी कहे तुम भी वक्फ बना दो? वही मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन मैं अपने धर्म का सर्वोच्च पालन करते हुए भी अपने संवैधानिक ड्यूटीज के प्रति सजग हूं। व्हाट इज टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कि हम कर सकते हैं। नाउ नथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट हाउ कैन यू रीच अ पर्टिकुलर लीगल परफेक्शन दैट कैन आई एम श्योर हेल्प अवॉइड चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर? फॉर इंस्टेंस सेक्शन 40 को हटाना, एमएलए ने कहा वंस अ टेनेंट ऑनरेबल टेनेंट, और वक्फ को लगता था वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। द ब्यूटी ऑफ एन इवॉल्विंग डेमोक्रेसी इज दैट विद द चेंजिंग टाइम्स एंड द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन द लेजिस्लेटिव, हमारी कानून व्यवस्था, हमारे देश की संसद बढ़ती और बदलती दरकारों के मद्देनजर कानून बनाती है। और इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूं कि इस कानून को बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं हुई। देश के सभी वक्फ बोर्ड्स को आमंत्रित किया गया ताकि किसी को यह ना लगे कि यह कानून किसी एक धर्म, किसी एक धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ है। हम सबको चंदूक साहब ने एज ए सिख जेंटलमैन अपनी बात को रखा। हम सबको अधिकार है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, अपने धर्म को माने और अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे देश का संविधान ये व्यवस्था हम सबको देता है। लेकिन एक सिक्का आज जो इस मंच पे था, जो मेरी ओर से था, वो है लेजिस्लेटिव का, वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जब हम एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं तब हमें अपने धर्म की दृष्टि से नहीं, अपने संविधान की दृष्टि से जनता की सेवा करनी। इसलिए आज निश्चित रूप से दो तीन बातें वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जो मेरे अनुभव में मैंने देखी और मुझे थोड़ा उसको देखकर चिंता हुई वो ये है। तेलंगाना में वक्फ बोर्ड ने खुला देना शुरू कर दिया, मतलब मोदी सरकार ने कहा कि आप 3 बार तलाक देकर एक मुस्लिम महिला को त्याग नहीं सकते। उसके चलते कुछ लोगों ने कहा कि कैसे ट्रिपल तलाक को अवॉइड किया जाए। कई केसेस ऐसे आए जिसमें महिला को प्रताड़ित किया गया कि वो अगर धमकी के बाद भी अपना मेहर छोड़ के खुला एक्सेप्ट ना करे तो उसका जीना दूभर हो जाता। तो वहां के स्थानीय वक्फ बोर्ड ने खुला देने का, खुला सर्टिफिकेट देने का भी काम शुरू कर दिया। इसका मतलब वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का विषय नहीं रह गया, महिला के पारिवारिक अधिकारों को छीनने का भी कुछ लोगों ने इसको माध्यम बना दिया। आंध्र प्रदेश में मंत्री रहते हुए मेरे सामने एक भयावह स्थिति तब प्रस्तुत हुई जब मुस्लिम समाज में से अहमदिया समाज मेरे पास आया और अहमदिया समाज ने कहा कि उनके प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो हमारा संविधान नहीं करता, जो सरकार नहीं करती, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने अपने में समाहित कर ली, और किसके कहने पर? जमात के सपोर्ट। तो इसीलिए आज भले ही ये वाला मंच सीमित है टेनेंट्स वेलफेयर के संदर्भ में, लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूं कि जब सरकार ने या सरकार के नुमाइंदों ने इस विषय पर अपनी रिसर्च की, जैसे अत्रेय जी ने कहा, या अपनी सोच को रखा, तो वो सोच एक विषय या एक अनुभव या समाज के एक अंश के आधार पर नहीं, व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में रखा कि क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जबरन एक औरत की शादी तोड़ दे, धमकाए?
क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि किसी को नॉन मुसलमान जो इस्लाम में मानता है उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दे? क्या एक बोर्ड को अधिकार है कि जो मान लीजिए इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता उसको भी कहे तुम भी वक्फ बना दो? तो इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा चिंता करने के बाद सभी हाँ ये सत्य है कि ऑल इंडिया वक्फ काउंसिल की मैं पहली नॉन मुस्लिम चेयरपर्सन बनी। लेकिन जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आई, ये जरूरी था कि मैं समाज को ये बताऊं कि भले ही मेरा धर्म हिंदू है लेकिन मैं अपने धर्म का सर्वोच्च पालन करते हुए भी अपने संवैधानिक ड्यूटीज के प्रति सजग हूं। और मेरे धर्म के लिए इससे बेहतर मेरी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि मेरे धर्म ने मुझे समझाया है, मुझे सिखाया है कि जब आप एक जिम्मेदार पद पर हो तब आप निसंकोच अपने समाज अपने राष्ट्र के हित को देखते हुए कदम उठाओ। मुझे लगता है जेपीसी की जो व्यवस्था आई है वो व्यवस्था जेन्युइनली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ व्यूज को समर्पित ही जेपीसी बने हैं। कई न्यूज एजेंसीज में भी इस बात का उल्लेख हुआ है कि वक्फ बाय यूजर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ऑफिस है जिसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। क्यों? क्योंकि शाहजहां की बेटी साहब ने वहां पर हज यात्रा के वक्त थोड़ा सा विश्राम किया। तो अंग्रेजों ने हाँ ये आपको तो अंग्रेजों ने उस वक्त उसको इस्तेमाल कर लिया था ऑफिस के हिसाब से। फिर देश आजाद हुआ तो म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि हमारा ऑफिस हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, शाहजहां की बिटिया साहब ने यहाँ पर विश्राम किया था। अभी हाँ कर्नाटक में एक पूरा का पूरा मैदान है वहां पर जो सरकार की है, वहां कुछ लोगों ने कहा भाई सरकारी मैदान है क्या गणेश चतुर्थी के लिए हमें मिल सकता है पंडाल लगाने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नमाज अता हुई थी, ईदगाह की जमीन है। इनफैक्ट हेमंत जी तो शॉक्ड होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में अपनी जमीन छुड़वाई है वक्फ से विच वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड। तो आप अकेले नहीं है, कोर्ट को भी लड़ना पड़ा है अपनी जमीन के लिए। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि जेपीसी के सम्मुख जब आप टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चंदोक जी और विशेषता हेमंत जी के सानिध्य में प्रस्ताव रखेंगे और जेपीसी के सामने जब आप प्रस्तुत होंगे तो मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर के जो टेनेंट्स हैं उनकी ओर से एक नई सोच आप हमारी संसदीय जो मंडली है उनके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। इट हैज बीन अत्रेजी माई ग्रेटेस्ट प्रिविलेज टू हैव रिटन एन एक्ट बट नथिंग इज परफेक्ट। वॉट द जेपीसी इंश्योर्स इज दैट द वर्क इन प्रोग्रेस सो दैट एवरी वॉइस कैन बी रिफ्लेक्टेड इज वॉट हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड येस चंदोक साहब सेड देर इज नॉट अ लीगल फर्म द वर्ल्ड ओवर विच डज नॉट हैव एन इंडियन। सो अत्रे साहब आई माइट नॉट बी अ लॉयर बट आई हैव गिवन बर्थ टू वन and I'm the daughter-in-law of one.